महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कई महिलाएं अलग अलग सेक्टर्स में परचम लहरा रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। कोई आईएएस के पद पर है तो किसी ने आईपीएस बनकर अपराधियों को सबक सिखाने का जिम्मा उठाया हुआ है। देश की बेटियां देश की आन बान और शान बन चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। एक और देश की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव की उपलब्धि सामने आई तो दूसरी तरफ कई महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस बार वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर, सुधामूर्ति, अभिनेत्री रवीना टंडन समेत 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। संगीत, कला, सोशल वर्क, सिविल सर्विस समेत कई क्षेत्रों में भारतीय महिलाएं नाम कमा रही हैं और देश का नाम रोशन भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की बेटियों ने भी खास मुकाम हासिल किया है। रूढ़िवादी सोच बदल रही है और अब लोग लड़कियों को भी बेटों से कम नहीं आंकते, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं और आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं, संघर्ष के वक्त उनका साथ भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़कियां पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। 7 अप्रैल को यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप 10 में से 8 महिलाएं ही रही। इसके अलावा टॉप 3 रैंक्स पर काबिज होने वाली महिलाएं ही हैं। आगरा की दिव्या सिकरवार यूपीपीएससी टॉपर हैं, लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे दूसरे नंबर पर हैं और बुलंदशहर की नम्रता सिंह की थर्ड रैंक आई है। टॉप 10 की लिस्ट में आकांक्षा गुप्ता, कुमार गौरव, सल्तनत प्रवीण, मोहसिना बानो, प्राजक्ता त्रिपाठी, ऐश्वर्या दुबे और संदीप कुमार तिवारी का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि कुल 364 लोगों का सिलेक्शन हुआ जिनमें से 110 महिलाएं ही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि रिकॉर्ड 10 महीने में एग्जाम की प्रक्रिया पूरी हुई। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक मेन परीक्षा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद जिले में हुई। इस परीक्षा में कुल 5,311 कैंडिडेट्स बैठे जिनमें से 1,070 लोगों ने मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई किया और इंटरव्यू राउंड में पहुंचे। 20 फरवरी से 21 मार्च 2023 के बीच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया। फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैंक होल्डर्स को बधाई दी। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर ये भी बताया कि स्टेट एग्जामिनेशन में बेटियों ने रिकॉर्ड सफलता दर्ज की है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।